जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है Redmi Note 10 Pro और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR Unbox। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro के लेटेस्ट अपडेट MIUI 13.0.4.0 के रिव्यू की। मैं दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस को पिछले 7 दिनों से यूज कर रहा हूँ। मैं अभी आपको इस अपडेट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ये अभी अपडेट सभी यूजर्स को मिलना स्टार्ट हो गया है। देन मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है, मैं आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी बताने वाला हूं, साथ ही साथ यहां पे कैमरा के बारे में, बैटरी, चार्जिंग टाइम, गेमिंग और सबसे लास्ट जो सबसे मेरा ओपिनियन होने वाला है उसको बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सेटिंग अबाउट फोन में जाके चेक करवा देता हूँ सॉफ्टवेयर डिटेल। यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे हमारा जो Redmi Note 10 Pro डिवाइस है वो लेटेस्ट MIUI 13.0.4.0 सॉफ्टवेयर वर्जन पे रन कर रहा है। Redmi Note 10 Pro और Max में दोस्तों MIUI 13.0.4.0 अपडेट को लेके बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स हैं जो ट्विटर पे ट्वीट भी कर रहे हैं कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद उनका फोन स्टक हो गया, मदरबोर्ड खराब हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी भी डिवाइस Redmi Note 10 Pro है, इंडियन वर्जन में रन कर रहा है बट यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नोटिस नहीं हुआ। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो यूजर्स क्लेम कर रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, नहीं, मे भी हो सकता है कुछ यूजर्स के साथ वो इशू हो रहा हो बट मेरे डिवाइस में ऐसा कोई भी इशू मुझे नोटिस नहीं हुआ। Redmi Note 10 Pro में दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको 5 से ज्यादा कुछ नए फीचर्स मिलते हैं बट उन फीचर्स को मैं इस रिव्यू वीडियो में ऐड नहीं करूंगा। रीजन ये है कि मैंने एक ऑलरेडी फीचर्स की वीडियो बना रखी है जहां पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है कि यहां पे कौन कौन से फीचर इस अपडेट में प्रोवाइड किए गए हैं। अभी हम बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 10 Pro में MIUI 13.0.4.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कुछ बेंचमार्क स्कोर्स की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर की, देन आप लोग नोटिस करेंगे इस लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अभी यहाँ पे स्कोर कम हो चुका है, 2,38,529 आपको नोटिस होगा। बाकी ये आपके स्टोरेज वेरियंट पे भी डिपेंड करता है। वही पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं गीक बेंच स्कोर की, देन अभी आप लोग देख पाएंगे इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद सिंगल कोर में 466 और मल्टी कोर में 1507 आपको नोटिस होगा। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे 15 मिनट का सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी किया हुआ है जहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि 86% यहाँ पे सीपीयू जो है वो थ्रॉटल कर जाता है, बाकी थोड़ा बहुत आपको हीटिंग भी इस टेस्ट में नोटिस होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों अब मैं बात करता हूँ डिवाइस के परफॉर्मेंस की, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है बेंचमार्क स्कोर अपनी जगह। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले रिफ्रेश रेट भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मली 120 में ही यूज करता हूँ, पहले आपको बहुत ज्यादा लैग नोटिस हुआ करता था, स्क्रॉलिंग वगैरह उतनी स्मूथ नहीं होती थी बट इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग नोटिस करेंगे बिल्कुल स्मूथ आपको स्क्रॉलिंग नोटिस होती है। कोई भी अगर आप स्क्रॉल करते हैं कोई इशू नहीं है, चाहे आप जितने भी एप्लीकेशन में स्विच करें बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे आप स्विच हो जाते हैं, बट अभी भी कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे ये क्रैश कर जाता है, खास करके MIUI के जो सिस्टम एप्स वगैरह हैं, गेम टर्बो एप्लीकेशन में हो गया, सिक्योरिटी एप्लीकेशन में हो गया, वहां पे अगर आप यूज करते हैं ज्यादा टाइम पे डिवाइस थोड़ा सा हीट होता है उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक क्रैश हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीटास्किंग वगैरह में मुझे कोई भी इशू नोटिस नहीं हुआ और एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग जो स्पीड है बिल्कुल आपको स्मूथ नोटिस होगी, एनिमेशन भी काफी ज्यादा पहले से फास्ट हो चुका है। साथ ही अगर हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन एनिमेशन की, आप लोग नोटिस करेंगे ये भी काफी ज्यादा फास्ट मिलने वाला है। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, सिस्टम लॉन्चर में एनिमेशन का एक और नया ऑप्शन आ गया, मैं आपको सिस्टम लॉन्चर की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको इंस्टॉल करके आप नए वाले सिस्टम लॉन्चर में फीचर यूज कर पाएंगे। यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे एक ऑप्शन मिला है एनिमेशन स्पीड का, जहाँ पे आपको फास्ट, बैलेंस और रिलैक्स 3 अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं। फास्ट पे यूज करने के बाद आपको काफी बेटर एनिमेशन नोटिस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, एक नया फीचर ऐड किया गया है जो कि है डिवाइस वाटरमार्क का। आप अगर फीचर्स वाली वीडियो देख लेंगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पे सारे फीचर्स में आपको ये फीचर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बाकी इसके अलावा आपको कैमरा में और भी कोई नया चेंज नहीं मिलने वाला है बट यहाँ पे जो फोटोज आती है उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे फोटोज दिखाता हूँ जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फोटोज में चाहे डिटेल हो, डायनेमिक रेंज हो, काफी ज्यादा आपको पहले से बेटर नोटिस होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों चार्जिंग टाइम और बैटरी बैकअप। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद चार्जिंग टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका है। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड चार्जिंग टेस्ट वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताऊं 2 घंटे 5 से 10 मिनट लगते हैं डिवाइस को फुल चार्ज होने में 33 वाट के चार्जर के साथ। वहीं पे दोस्तों आपको चार्जिंग के टाइम पे हीटिंग इशू भी नोटिस होगी बट अगर हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की, देन यहां पे आपको बैटरी बैकअप काफी कमाल का मिल जाता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भी आपको 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, बाकी ओवरनाइट बैटरी ड्रेनिंग का कोई भी इशू मुझे इस अपडेट के बाद नोटिस नहीं हुआ।
Redmi Note 10 Pro में दोस्तों एक प्रॉब्लम काफी टाइम से चली आ रही है, वो इस अपडेट में अभी फिक्स नहीं हुई है, जो है स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू। अगर आप स्पेशली गूगल क्रोम में ब्राउज कर रहे हैं और आप ब्राइटनेस को एकदम लो कर देते हैं, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपकी डिवाइस की जो स्क्रीन है वो काफी ज्यादा फ्लिकर करने लगती है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू नोटिस होता है और आप अच्छे से गूगल क्रोम पे नोटिस कर पाएंगे। और भी पेज आप लाइट मोड में यूज कर रहे हैं, एकदम लो ब्राइटनेस कीजिएगा, देन आपको ये चीज का आइडिया लग जाएगा कि स्क्रीन फ्लिकर अभी भी होती है। मैं भी पहले ही इसको हो जाना था, बट अभी तक इस अपडेट के बाद भी ये इशू फिक्स नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों गेमिंग के बारे में। BGMI को कंसीडर करते हुए अगर हम सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग की बात करें, देन आप लोग देखेंगे कि अभी भी आपको मैक्सिमम HD में हाई तक का ऑप्शन मिलता है, स्मूथ और बैलेंस में आपको अल्ट्रा तक की ग्राफिक सेटिंग प्रोवाइड की गई, यानी अभी भी आप Redmi Note 10 Pro में 40 FPS की गेमिंग कर पाएंगे। बाकी दोस्तों Redmi Note 10 Pro में गेम टर्बो 5.0 का भी अपडेट आ चुका है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख के आप इस नए वाले गेम टर्बो को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी हमने यहां पे गेमिंग भी किया तो नॉर्मल गेमिंग के टाइम पे मुझे कोई भी लैग फ्रेम ड्रॉप नोटिस नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा सा गर्मियों का टाइम है, दिन आपको डिवाइस में हीटिंग इशू नोटिस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये अपडेट मिलता है देन क्या आपको अपने Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 Pro Max में MIUI 13.0.4.0 अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, अगर हम मदरबोर्ड इशू को भी कंसीडर करें तो। वैसे तो इस अपडेट में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं, बट अगर Redmi Note 10 Pro या Max आपकी प्राइमरी डिवाइस है और बहुत सारे यूजर्स को मदरबोर्ड का इशू हो रहा है, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस अपडेट को इस कर दो। मे भी हो सकता है कि आपके डिवाइस में अपडेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए, कोई इशू ना हो, बट इसके 70-30% ही चांसेज हैं, सो आप इस अपडेट को स्किप कर सकते हैं या थोड़ा सा वेट कीजिए, जब और भी रिव्यूज देख लीजिए, थोड़े टाइम बाद में भी हो सकता है कि जितने भी यूजर फिर इंस्टॉल करते हैं तब वो इशू ना हो, देन आप अपडेट को इंस्टॉल कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जय हिंद।